दिस वॉज अ सब स्टेशन खन्यान सब स्टेशन 132 के वी बाई 33 बाई 11 के वी सब स्टेशन. दिस इज द व्यू ऑफ द टोटल सब स्टेशन एंड द व्यू ऑफ द सब स्टेशन मेनली द मेन बस बस फ्रंट ऑफ द दिस वन इज द इनकमिंग लाइन एंड द इनकमिंग लाइन थ्रू द मेनी प्रोटेक्शन यूजिंग द बे using isolator circuit breaker then after isolator CT using the flow the power in the main bus is inside of the this side of the substation is the main bus and then this one wire is connected in this is the connected through the transformer and the this one the यह जो गोल कलर का है इसको हम लोग CBT कहते हैं या वेब ट्रेप. और जो बहुत सारे इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट लगा रहता है जैसे इसको बोलते हैं हम लोग. ये जो आप देख रहे हैं ये है इंसुलेटर. उसके बाद से जो ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा रहता है उसको कहते हैं हम लोग बुशिंग. वो बुशिंग इसलिए रहता है सेफ्टी पर्पज़ के लिए, सर्ज अरेस्टर उसको बोल सकते हैं. और यहाँ पे चार ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर. उसमें एक है 6.3 MVA और दूसरा वाला जो ये आप देख रहे हैं ये वाला ये 31.5 MVA एंड उसके बाद जो ये है वो 31.5 MVA. उसके बाद फिर एक और ट्रांसफार्मर जो आपको हम दिखला नहीं पा रहे हैं वो 6.3 MVA. तो ये सब पावर ट्रांसफार्मर है. इसका ये जो वायर देख रहे हैं ये जो वायर है ये इनकमिंग वोल्टेज है 132 KV. और जो ये आप देख रहे हैं इस साइड में ये जो है यहाँ से पावर टू आउटपुट हुआ है. तो ये जो आउटपुट वोल्टेज हुआ है 33 KV. इसके बाद 33 KV को यहाँ से आप देखिए ये दिस वायर के थ्रू इसको हम लोग यूजिंग द बे मतलब आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर एंड द आइसोलेटर यूजिंग सिटी इसको हम लोग बाहर भेज रहे हैं. जैसे यहाँ पे बहुत सारा लोकल सब स्टेशन है DCL के अंडर में, तो DCL के अंदर में यहाँ से पावर सप्लाई हो रहा है. तो फर्स्ट में खन्यान 1, खन्यान 2, कामरपाड़ा और पांडुआ 1. तो ये चार ठो सब स्टेशन में यहाँ से पावर जा रहा है. तो वो क्या वहाँ पे जो पावर जा रहा है वो 33 KV है. इनकमिंग या इनकमिंग वोल्टेज है यहाँ पे आपका 132 KV और आउटगोइंग वोल्टेज है 33 KV. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा. अब बाहर में इस साइड देखिए ये जो है ये है आपका आउटगोइंग. और जो आप देख रहे हो उस साइड में बड़ा वाला पोल ये देखिए यहाँ से जो पावर ढुक रहा है. ये जो आप देख रहे हैं ये पावर इनकमिंग नहीं, ये लाइटिंग के लिए दिया हुआ है. इस साइड में आप देखिए तीन, उस साइड में देखिए यहाँ पे तार तो आया हुआ है वो जो है वहाँ से पावर इनकमिंग हो रहा है. और जो इस साइड में आप देख रहे हैं ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे और न्यू इंस्टॉलेशन होगा. और यहाँ पे और कुछ तो बतला रहे हैं लाइक नहीं. यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर है ये जो आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर के मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में वो रिले रहता है उसको बुक होल्स के रहते हैं. और जो ट्रांसफार्मर का मेकिंग है जो कंपनी बनाया उसको क्रॉम्पटन ग्रिप्स कहते हैं. क्रॉम्पटन ग्रिप्स ने इसको बनाया. ये जो ट्रांसफार्मर है ये 33 KV से 11 KV करता है. ये जो छोटा वाला ट्रांसफार्मर देख रहे हैं 6.3 MVA ये क्या करता है 33 KV से 11 KV करता है. 11 KV हम लोग नॉर्मली अपना सब स्टेशन यूज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. और जैसे कि यहाँ पे जो लोकल पर्पस जो यहाँ के निवासी उसके लिए हम लोग ये पावर को भेजते हैं. और आप देख रहे हैं ये जो देख रहे हैं ये अर्थिंग ट्रांसफार्मर है. एक ये है और उसके बाद एक और है तो इसको अर्थिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं. जो 33 KV लाइन है 33 KV लाइन है उसको अर्थिंग के लिए यूज़ किया जाता है. अर्थिंग और हम लोग का जनरल पर्पस 33 तो डायरेक्ट 220 वोल्ट और 440 वोल्ट में कन्वर्ट करके उसको हम लोग यूज़ करते हैं. नॉर्मली लाइट हुआ, फैन हुआ, हम लोग सब स्टेशन को यूज़ करते हैं. ये जो टोटल है यहाँ पे मेन दो बस होता है, एक मेन बस होता है, एक ट्रांसफर बस होता है. मेन बस में जनरली काम करते हैं. जैसे कि मेन बस हमको ऑफ करना है, मेन बस हम ऑफ करके उसको पावर को हम लोग ट्रांसफर बस में यूज कर सकते हैं. ट्रांसफर बस जो होता है वो स्टैंड विथ होता है. ट्रांसफर बस को हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं. जैसे मेन बस में हमको कोई काम करना है या सर्किट ब्रेकर को ऑफ करना है तो उस समय हम लोग ट्रांसफर बस को यूज़ कर सकते हैं.
बट यहाँ पे दो इनकमिंग लाइन, एक सातगछिया और एक BTPS, दोनों से हमको पावर मिल रहा है BTPS से भी और सातगछिया से भी। जैसे हमको BTPS से पावर आ रहा है तो हम लोग बे के थ्री यूज कर रहे हैं, तो आइसोलेटर ब्रेकर आइसोलेटर स्टील देकर हमको ब्रेकर में अगर कोई फॉल्ट हो ब्रेकर में अगर कोई फॉल्ट हो तो उसको काम करना है तो कैसे करेंगे, तो हम लोग उसको ऑफ करके उसको वो पावर को हम लोग क्या करते हैं ट्रांसफार्मर बस में भेज देते हैं, ट्रांसफार्मर बस बस के थ्रू। देखिए ट्रांसफार्मर बस कटा हुआ या कनेक्टेड है, यहाँ से पावर फिर मेन बस के थ्रू चला जाता है। लेकिन अगर दोनों सातगछिया और BTPS का दोनों में ही फॉल्ट हो तो ट्रांसफार्मर बस से हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, किसी एक में ही फॉल्ट हो तो हम लोग ट्रांसफार्मर बस के थ्रू पावर को आउटपुट कर सकते हैं, और दोनों में फॉल्ट हो गया तो हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ द टोटल व्यू ऑफ द सब स्टेशन, दैट इज द सब स्टेशन नॉन एज द अंडर द WBACTCL एंड द आफ्टर डेट इज कन्वर्टेड टू द DCL। थैंक यू। हाय दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है। आज हम आप लोग को एक सब स्टेशन मिला है WBACTCL के अंदर में, जो सब स्टेशन है यहाँ पे बहुत सारा इक्विपमेंट लगा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे जो ऊपर में देख रही है 33 KV इनकमिंग लाइन है, ये वाला जो आप लाइन देख रही है 33 KV लाइन, उसके बाद यहाँ से बहुत सारा अरेंजमेंट किया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे जो ये देख रहे हैं एक वे यूज हुआ है, आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर और बहुत सारे इक्विपमेंट है। उसके बाद यहाँ से होने के बाद वो देखिए आपको ट्रांसफार्मर दिख रहा है, आपको हम ट्रांसफार्मर दिखला सकते हैं। यहाँ से देखिए ये ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, यहाँ पर दो ट्रांसफार्मर है टोटल, उसका मीटर बॉक्स दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारा कूलिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे आगे सबसे पहले गिट्टी का यूज होता था, अब गिट्टी को ऑफसेलेट करके यहाँ पे अब यहाँ पे ढलाई कर दिया जा रहा है। देखिए कोई भी सब स्टेशन का मेन पर्पस क्या होता है, सब स्टेशन का मेन पर्पस होता है कि वोल्टेज को हम लोग कमाते हैं या बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये जो सब स्टेशन यहाँ पे इनकमिंग आ रहा है TCL के थ्रू, WBACTCL वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, उसके बाद आने के बाद ये एक DCL का सब स्टेशन है, WB मतलब वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे 33 से 11 के भी कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ का सबसे मेन इक्विपमेंट जो होता है किसी भी सब स्टेशन का वो होता है ट्रांसफार्मर। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसका रेटिंग है 25 MVA ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और जो देख रहे हैं वहाँ पे देखिए ये वाला देख रहे हैं ये कैप बैंक है, कैपेसिटर बैंक। ये कैपेसिटर बैंक क्यों लगाया जाता है, ये वोल्टेज को बढ़ाने के लिए या रिएक्टिव पावर का जो लॉस होता है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए कैपेसिटर बैंक को हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर में मेन चीज़ क्या क्या होता है, ट्रांसफार्मर में मेन चीज़ होता है ट्रांसफार्मर ऊपर सबसे ऊपर में एक बुशिंग लगा होता है। बुशिंग का काम क्या होता है, वो सट अगर वायर को हम डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में इनपुट करते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, इस बस वहाँ पे वो एक तरह का आइसोलेटर है या सर्ज अरेस्टर हम बोल सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर लाइन ग्वालफाटा से यहाँ पे लाइन आ रहा है ट्रांसमिशन के थ्रू, ठीक है, इंटर लाइन ग्वालफाटा। यहाँ पे देखिए किसी भी सब स्टेशन में दो बस होता है, एक होता है मेन बस और दूसरा होता है ट्रांसफार्मर बस। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है ये ट्रांसफार्मर बस है, ये जो देख रहे हैं ये वाला ये ट्रांसफार्मर बस है। उसके उस साइड में एक और बस होता है, उसको हम लोग डुप्लीकेट बस बार कहते हैं। आप देखिए अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और भी यहाँ पे प्लांट बैठेगा सब स्टेशन के लिए, क्योंकि अभी के दिनों में प्रत्येक के घर में लोड बढ़ते जा रहा है, इस वजह से रिक्वायरमेंट भी बढ़ रहा है, तो इस वजह से DCL का काम भी बढ़ रहा है। हाय दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है। आज हम आप लोग को ट्रांसफार्मर के बारे में बतलाएंगे, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, ट्रांसफार्मर में क्या क्या इक्विपमेंट लगा रहता है और ट्रांसफार्मर का हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को तुम आप लोग लास्ट तक देखिएगा, और आप लोग को इस वीडियो देखने के बाद आपको ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा जहाँ तक मैं ये करता हूँ, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक ट्रांसफार्मर है, ये वाला जो देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर है, ओके। इसके ऊपर में एक टैंक लगा हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर के थ्रू एक सादा कलर का इक्विपमेंट लगा रहता है, ये जो सादा कलर का आप दिख रहे हैं ना, ये क्या है मालूम है,
ये सादा कलर का इक्विपमेंट है ब्रीदर, ये मॉडर्न डे का है, इस बस ऐसा है, नहीं तो इसके अंदर आगे सिलिका जेल लगा हुआ रहता था, सिलिका जेल वाला कंजर्वेटर हुआ करता था। अभी के टाइम में ये वाला एडवांस है। ये जो होता है थ्री फेज फोर वायर सिस्टम होता है। देखिए यहाँ पे तीन वायर है जो फेज है, तीन वायर फेज है, एक न्यूट्रल है आर वाई बी, एक न्यूट्रल। और ये जो देख रहे हैं यहाँ से ऑयल निकलता है ऑयल टेस्टिंग के लिए, एक बल्ब लगा रहता है यहाँ पे इस साइड में ट्रांसफार्मर के नीचे में, ठीक है, वहाँ से ऑयल टेस्टिंग के लिए ऑयल निकलता है। ऑयल का तीन टेस्ट होता है, एसिडिटी टेस्ट, बेस टेल, और यह तेल ख़राब हो गया उसका टेस्ट होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज होता है उसका नाम है एस्कर ऑयल, जो हाईली लुब्रिकेटिंग होता है, ठीक है। और इसके बाद एक देखिए यहाँ पे एक तो बस बार अरेंजमेंट किया हुआ है, तो जो सादा वाला देख रहे हैं ना ये बस बार अरेंजमेंट है। देखिए ट्रांसफार्मर से निकलने के बाद बस बार में गया है। बस बार क्या होता है, एक अल्यूमिनियम का प्लेट होता है, वहाँ पर तार को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और नीचे में आप लोग को हम दिखला पा रहे हैं तीन सर्किट ब्रेकर है, तीन फेज के साथ कनेक्टेड है। ये तो हुआ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या क्या चीज़ रहता है, ट्रांसफार्मर मेन चीज़ होता है ऑयल, उसके बाद होता है कोर, तीसरा नंबर चीज़ होता है वाइंडिंग, चौथा नंबर चीज़ होता है बुशिंग, पांचवा नंबर चीज़ होता है कंजर्वेटर, छठा नंबर चीज़ होता है ब्रीदर,